राम राम भैया। अरे राम राम भैया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज सोनी है और मैं ग्राम रामपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? मैं अमृत पानी बनाने के लिए बरगद की पेड़ के नीचे की मिट्टी निकाल रहा हूँ। अब ये मिट्टी हम श्रीमती शकुनबाई के पास ले जा रहे हैं, जो आज अमृत पानी बना रही हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आशा संस्था से हूँ। आज मैं ग्राम रामपुरा में आया हुआ हूँ और मुझे जानकारी लगी है कि आशा संस्था के समूह श्री साईं राम समूह की महिला शकुनबाई आज अमृत पानी बना रही हैं। आओ चलो सभी किसान भाई, हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि अमृत पानी कैसे बनाते हैं। राम राम अम्मा। राम राम भाई, आइए बैठिए। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आशा संस्था गाडावारा से हूँ। आपका परिचय दें आप। मेरा नाम शकुनबाई सोनी है। अच्छा। मैं ग्राम रामपुरा की हूँ। मैं आशा संस्था साईं राम समूह की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। आज आप क्या कर रही हो? आज हम अमृत पानी बना रहे हैं। आज जो आप अमृत पानी बना रही हो, इसका कारण क्या है? हम अमृत पानी इस तरह बना रहे हैं कि जो हम बाजार से दवाइयाँ लाते हैं उसका पैसा बचता है और पौधा अच्छी तरह से बढ़ जाता है और पौधों में फूल अच्छे होते हैं, जिससे उत्पादन हमको ज्यादा मिलता है। अमृत पानी बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तसला की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें गौमूत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें ताजे गोबर की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद हमें इस बाल्टी में पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें बरिया के नीचे की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और हमें 1 किलो गुड़ की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। इसके बाद हमें घोल को मिलाने के बाद मटके की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमें हाथ पोस की आवश्यकता पड़ती है। अमृत पानी कैसे बनाते हैं, इसकी विधि हमें आप बताओगी? हम बना रहे हैं, आप देख लो। आपने हाथ पोस क्यों पहने हैं? हमने हाथ पोस इसलिए पहने हैं कि ताकि हाथ गंदे ना हो। अच्छा। सबसे पहले हम खाली तसला लेंगे, उसमें 10 लीटर पानी डालेंगे। आपने पानी क्यों लिया है? हमने घोल बनाने के लिए पानी लिया है। इसके बाद हम 10 किलो गोबर लेंगे। इसका अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। आप गोबर क्यों मिलाती हो? गोबर हम इसलिए मिलाते हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं को बढ़ाते हैं। और इसके बाद हम 1 किलो गौमूत्र डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम गौमूत्र क्यों मिलाते हैं? हम गौमूत्र इसलिए मिलाते हैं कि कीटनाशक का काम करता है। अच्छा। गुड़ का घोल बनाएंगे। इसके बाद हम इस घोल को इसमें क्रो देंगे। आप गुड़ क्यों मिलाती हो? गुड़ हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो गोबर और गोमूत्र को सड़ने का काम करता है। अच्छा। इसके बाद हम 1 किलो बरगद के नीचे की मिट्टी मिलाएंगे। अच्छा, आप मिट्टी क्यों मिलाती हो? इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं। अच्छा। हमने इस घोल को अच्छी तरह से मिला लिया है। अम्मा, इसके बाद आप क्या करोगी? इस घोल को हम इस मटके में डाल देंगे। आप मटका में क्यों डालती हो इस घोल को? चढ़ाने के लिए। अच्छा, इस घोल को आप कितने दिन तक सड़ाओगी? 7 या 10 दिन तक। अच्छा। आपका ये घोल 7 से 10 दिन के अंदर सड़ जाता है, इसके बाद आप क्या करोगी? इसके बाद इस घोल को 100 लीटर पानी मिलाएंगे और इसको कपड़े में छान कर और उसका उपयोग करना। आप हमें अमृत पानी
बनाने के फायदे बताइए। अमृत पानी हमारा उत्पादन बढ़ाता है और कीड़ों से बचाव करता है, लाभदायक सूजियों को बढ़ाता है और फूलों की संख्या को बढ़ाता है। इससे हमारे पौधों में चमक आती है। ये मिट्टी और वातावरण और हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता। आज आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहती हो? सब किसान भाइयों को मेरा राम राम और सभी अमृत पानी बनाए, सब आसानी से बन जाता है, इससे पैसा बच जाता है। आप सभी घर में अमृत पानी बनाएं और इसका फायदा लें। अम्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अमृत पानी की विधि बताई, और हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई इस विधि को अपनाएंगे और अधिक से अधिक इसका फायदा लेंगे। अच्छा तो अम्मा राम राम। राम राम भैया।